तो विलेजर्स को मेरा घर चोरी करना है पता नहीं क्यों। तो साथियों इसका घर उठाओ और अब इसका घर हम लोग छोड़ने वाले हैं, लेके चलो। और एक मिनट, मेरा घर उठा लिया लोगों ने इतनी ताकत इनमें, अभी छोड़ दो मेरा घर। अरे अरे भागो साथियों भागो, यहाँ आ रहे हम लोग के पीछे डैश, भागो। अरे ये तो गरीब होने वाला है। गरीब होने वालों तो ये ले यार, ये विलेजर तो चोर निकले मेरा घर चोरी कर रहे थे। और तुम लोगों को पता है ये लोग मेरा घर की चोरी कर रहे थे? क्योंकि मेरे घर के अंदर है सीक्रेट एमरल्ड डॉग, बहुत खतरनाक डॉग है, माइनक्राफ्ट में एकदम बड़ी मुश्किल से मिलता है। पूरे माइनक्राफ्ट में 5-6 ही होंगे, उनमें से एक मेरे पास है। तो ये चोर विलेजर चोरी करना चाहते थे मुझसे। खैर मैंने भी कहीं से उठा कर लाया हूँ, लेकिन मैं इनको लेने दूंगा ये सब। चलो इनकी लाशों को ठिकाना लगा दिया, अब सोने जाता हूँ मैं। वही तो रोक, तूने हमारे बंदों को मारा है और हम उसका बदला लेके रहेंगे। अबे तुझे ही मरना है, भागे ऐसे चोर थे वो लोग। बदला लेने आऊंगा मैं, पूरी फौज के साथ आऊंगा। ये कैसा विलेजर है, बदला लेने आएगा वो? यार मुझे चौकाना रहना पड़ेगा, एक काम करते पहले शॉप में चलते क्योंकि कुत्ते को सेफ रखना पड़ेगा मुझे। तो ये वाले शॉप में एक से एक आइटम मिलेंगी और आखिरी में हमें मिलने वाला है मिस्ट्री आइटम, अब वो देखना क्या होता है। तो ये है बहुत सारे आइटम और यहाँ से शुरू हो रहा है। और ये कितने का है, 5 डायमंड का? ये लो भाई 5 डायमंड। और ये हमें मिलने वाला बियर ट्रैप, कहाँ पर है बियर ट्रैप? ओके ये रहा बियर ट्रैप। और इसके बाद क्या क्या होने वाला है, TNT वगैरह बहुत कुछ है। चलो कोई बात नहीं यार, विलेजर में कौन अपना डायमंड वेस्ट करेगा, मैं तो चलता बियर ट्रैप लगाता हूँ और सारे विलेजर कट के मरने वाले हैं। तो अच्छी खबर ये है कि जो मेरा घर है ना उसके आजू बाजू पूरा पानी है, बस एक साइड विलेज है। तो विलेजर जब भी हमला करेंगे तो आगे की तरफ से करेंगे, तो मुझे एक ही तरफ ट्रैप बिछाना है बस। तो एक काम करते हैं, आराम से बियर ट्रैप लगाते हैं, विलेजर आके फंसने वाले इधर पूरे। Hours later. और पूरे बियर ट्रैप मैंने लगा दिया हूँ। और एक मिनट, वो विलेजर्स आ चुके हैं। अरे बाप रे इतने सारे, रुक जाओ हमला करने के लिए रेडी हूँ मैं। अरे बैल लोगों को देखो भाई, बैल बुद्धि तो है पक्का विलेजर्स। और अरे और पूरे के पूरे विलेजर फंस गए, ये समय इनको मारने का, ये लो मरो। ओके एक को मार दिया मैंने और सब मरेंगे, भागो ऐसे। और ये देखो भाग गया विलेजर्स, तू भी मरेगा बेटा। ओके ये भी निपट गया। और वो देखो निकल गया यार, ऐसे तो खतरा है मुझे यार, एक बंदा यहाँ तक पहुँच गया था। एक काम करते कुछ और खरीदने के लिए चलते हैं पहले। तो एक काम करता हूँ, पहले जल्दी से इस पूरे आयरन को माइन कर लेता हूँ और फिर इससे बनाऊंगा टूल्स एंड आर्मर। तो अभी क्या तुम लोगों को पता है मैं यहाँ पे आयरन का आर्मर क्यों बना रहा हूँ, उस डैश को मारने के लिए। और एक काम करो तुम भी यहाँ पे रखो आर्मर, पहनो, बहुत कम टाइम है हम लोग के पास। तो यार जल्दी से माइन करता हूँ, सेकंड आइटम के लिए गोल्ड चाहिए और गोल्ड बिल्कुल नहीं है मेरे पास में, कम से मुझे 15-20 गोल्ड चाहिए आराम से। तो शॉपकीपर ये ले 10 गोल्ड और मुझे TNT दे जल्दी से। और ये देखो नॉकबैक TNT देने वाला है। और एक मिनट कहाँ पर नॉकबैक TNT, 17 TNT मिल चुकी है मुझे, क्या बात है। अब देखो विलेजर के साथ में क्या हादसा होने वाला है, और वो लोग अभी केव के अंदर गए थे, लगता है वो लोग आर्मर वगैरह बनाने गए हैं। तो ये जो नॉकबैक TNT होने वाला है बहुत ज्यादा खतरनाक है। तो एक काम करता हूँ इसको यहाँ पर लगाता हूँ मैं, और मुझे यहाँ पर प्रेशर प्लेट लगाने हैं, और बाकी को मैं इस तरफ लगाता हूँ, और यहाँ पर भी कुछ प्रेशर प्लेट लगा देता हूँ और थोड़ा दूर रखता हूँ, यार सब फूट जाएगा नहीं तो। और एक मिनट और पूरी फौज आ चुकी है इनकी, और रखते हैं लोग पैर रखने वाले, और मुझे भी थोड़ा दूर रहना पड़ेगा, और पैर लग चुका है इनका, क्या बात है। अब देखते क्या होता है इनके साथ में, थोड़ा दूर मैं भी रहता हूँ। और लगते हैं लोग हवा में उड़ने वाले, ओ भाई ये तो उड़ी गए हवा में, क्या हुआ इनके साथ में, हादसा हो गया तो। और एक मिनट पूरी फौज जमा हो चुकी है उधर, और ये लोग पागल है क्या, और ये खुद पे खुद पैर रख रहा है भाई, क्या पागल विलेजर है। और देखो अनगिनत विलेजर आते जा रहे हैं, और लगता है सबकी वाट लगने वाली है अब भाई, सबके सब हवा में उड़ गए, और थोड़े से विलेजर बचे हुए हैं और वो भी मरने वाले, बाप रे सब उड़ गए यार। यार मेरा ये वाला ट्रैप भी काम आया, मैं और मेरा डॉगी सेफ है घर के अंदर। वो भाई खतरनाक था ये तो, और डॉगी हम लोग बच गए, क्या बात है। इधर ही रुकना मैं लेकर आ रहा हूँ और भी ट्रैप, यार ये विलेजर पागल हो चुके हैं। मैं चलता शॉप के अंदर। तो अब क्या खरीदना चाहिए हमें, एक काम करते क्रशर खरीदते हैं। तो मुझे क्रशर चाहिए जल्दी दो यार। क्रशर मैं तभी दूंगा जब तुम मेरे कॉम्पिटिशन को मारोगे। यार तेरा कौन सा कॉम्पिटिशन अब, वो दुकान देख रहे हो, अरे वो कब से आ गया, ये ले असला बारूद, इससे फोड़ना तभी मैं तुमको दूंगा फ्री में। अरे ये तो आतंकवादी निकला यार, बहुत ही खतरनाक आदमी, तू तो बम दे दिया डायरेक्ट। चलो कोई नहीं उस दुकान में चलते, और कोई तो खड़ा उधर, एक मिनट। तो मैं ला चुका हूँ एक्स को, और इसकी दुकान तोड़ना चालू करते हैं। अरे ये मार क्यों रही है, रुक जाओ इसको फाइट मारना पड़ेगा, भाग ऐसे। यार इसकी पूरी दुकान तोड़ दूंगा, विलेजर आते होंगे, एक काम करता हूँ सीधा बम मारता हूँ, ये ले बम। ओके पूरा ब्लास्ट हो चुका है, और भी फोड़ना पड़ेगा मुझे जल्दी जल्दी। तो मैं और भी 2-3 बम लेकर आ चुका हूँ, और अब देखो क्या दवाई होती है, ये देखो सब कुछ फूट चुका है, ये लो खत्म हो गई इसकी दुकान। तो यार तेरा पूरा काम हो चुका है, मैंने मार दिया तेरे कंपटीशन को, अब मुझे जल्दी से व्हील दे दे। और क्या बात है, 2-2 व्हील, एक खराब हो गया तो भी 2 से काम हो जाएगा मेरा। जल्दी व्हील को लेकर चलते हैं और अपने घर के आगे लगाते हैं। मैं पूरे विलेजर्स को अब चपटा करने वाला हूं, देखो क्या होता है इनके साथ में। तो डॉगी देख मैं क्या लेकर आ चुका हूं, यहां पर मुझे 2 व्हील को ऐसे लगाना है, और यहाँ पर मुझे क्रिएटिव मोटर को लगाना, और ये देखो घूमना चालू, और इसको भी लगा देता हूँ, और दोनों के दोनों घूम रहे हैं अब। अब मैं चाहो तो इसका ऑसिलेशन चेंज भी कर सकता हूँ। तो एक काम करते हैं थोड़ा इसको फास्ट घुमाते हैं, लेकिन एक मिनट अभी मुझे भी तो बाहर जाना है, क्योंकि विलेजर्स होते हैं बैल, उनको लगेगा यहाँ से आना है, और जैसे आएंगे तो ये लोग चपटे होकर जाने वाले हैं। लेकिन इतने से मेरा काम बिल्कुल नहीं चलने वाला है, मुझे और भी ट्रैप्स लगाना है। तो एक काम करते हैं और भी चीजें खरीद के आते हैं उससे। तो अब मुझे चाहिए नूब स्पाइक। ओके प्रो स्पाइक तो मुझे मिलेगा नहीं, नूब वाले स्पाइक का रेट कितना है सर? मेरे को आयरन गोलम चाहिए ताकि मैं अपना शॉप को प्रोटेक्ट कर सकूं। अरे यार आयरन गोलम कहां से लाऊं? चलो कोई नहीं, ये विलेज में एक आयरन गोलम था, मैंने देखा था अभी। तो यार छोटी सी एक प्रॉब्लम है, वो रहा आयरन गोलम, लेकिन इस तरफ देखो बहुत सारे मैंने अपने दुश्मन देखा। ये देखो ये लोग प्लान बना रहे मुझे हराने का, मुझे एकदम आराम से इधर जाना पड़ेगा,
और ये आयरन गोलम को लीड लगाना पड़ेगा। तो मेरे पास एक प्लान है, क्यों ना मैं इसको ऊपर से उठा लूं। एक काम करते यहाँ पर आते हैं और वो देखो वो पागल मुझे देख ही रहा है लेकिन अभी कुछ भी नहीं कर पाएगा। तो ये गोलम को चोरी करता हूँ मैं और इसको लेकर भागते जल्दी आ चो गोलम मेरे पीछे। ओके गोलम आ रहा है, क्या बात है, फुल स्पीड में। तो ये लो शॉपकीपर, ला लिया मैंने तेरा गोलम, अभी प्रोटेक्ट करेगा। और इसको समझा दिया मैंने, तुझे विलेजर समझ रहा है, अब मुझे स्पाइक दे जल्दी। धन्यवाद धन्यवाद, क्या बात है क्या बात है, ये लो क्या बात है, मिल चुका है मुझे 32 स्पाइक हाथ में मेरे। ये देखो भाई हाथ में ऐसा लग रहा है गोबर है, लेकिन ये खतरनाक स्पाइक जो घर के आजू बाजू लगाने वाला हूँ मैं, क्योंकि विलेजर भी बहुत चालाक हो चुके। और एक मिनट, तो लगाते पूरे स्पाइक्स को। A few moments later. तो यार पूरा सिक्योरिटी सिस्टम बन चुका है अच्छे तरीके से, अब बस मुझे अंदर जाना है, वेट करना है। और अंदर यहाँ से जाने का रास्ता नहीं बिल्कुल भी, एकदम चुपके से जाना पड़ेगा। अरे विलेजर्स कर क्या रहे अभी तक आए नहीं ये लोग। मैं डैश को मारने के लिए गोल्ड आर्मर बना रहा हूँ। ये लो दोस्तों बांट लो अपन आपस में, तगड़ा आर्मर बनाना अपने को, डैश बच के नहीं जा पाए इस बार। और एक मिनट, गोल्ड आर्मर बन के बहुत सारे विलेजर आ चुके हैं मेरे विलेज में हमला करने के लिए। और ये लोग तो खतरनाक दिख रहे हैं, अभी डैमेज होगा कि नहीं देखना पड़ेगा। और नूब स्पाइक से इतना डैमेज नहीं पहुंच रहा इनको, शिट। चलो साथियों हमला करो, यहाँ तक पहुंच चुके हैं, अब अपन पीछा नहीं हटेंगे, घुस जाओ सब लोग घर में। और लगता है मेरा प्लान काम कर रहा है, अब विलेजर जैसे आएगा पूरा चपटा हो जाएगा वो। एक मिनट भाई, इतना पतला विलेजर, इसको तो अपने हाथों से मारूंगा, ये ले मर। इतना पतला विलेजर पहली बार देख रहा हूँ मैं अभी यार। यार मुझे लगता है इसके अंदर की पसलियाँ टूट चुकी है और मरने वाला है ये। क्या बुरी हालत हुई है विलेजर की जो मुझसे पंगा लेगा। एक काम करते हैं और वेट करते हैं और विलेजर्स को देखते हैं, मुझे लगता है बाकी लोग मर चुके होंगे इससे। क्या बात है, पूरे विलेजर भाग चुके हैं, लेकिन वो लोग वापस आते होंगे क्योंकि एक विलेजर पागल हो चुका है, वो पीछे पड़ चुका है मेरे डॉग के। तो मैं चलता हूँ शॉप में और वहाँ पर एक से एक और आइटम है वो लेकर आता है पहले। अरे यार तेरी शॉप को क्या हो गया ये। और एक मिनट, मुझे नेक्स्ट वाला आइटम चाहिए और दोनों आइटम चाहिए मुझे, वो एग है कोई तो भी। भाई मैं तुम्हें आइटम तभी दूंगा जब तुम मेरे शॉप को साफ करोगे। यार ये क्या बात हुई, चलो कोई बात नहीं करता हूँ मैं। कॉम्पिटिशन ने आके मेरा पूरा दुकान खराब कर दिया। अरे बाप रे, कोई नहीं कोई ठीक करता इसकी दुकान में। पहले कॉपे हटाते जल्दी जल्दी से, क्योंकि मुझे नेक्स्ट आइटम चाहिए कुछ भी हो जाए। तो इसको भी तोड़ लेता हूँ, पहले मैं ये भी तोड़ लेता हूँ। तो दोस्तों गोल्ड से तो काम नहीं हो रहा है, लगता है अपने को अब डायमंड यूज करना पड़ेगा। वो डैश पता नहीं कौन कौन सी तरकीब यूज कर रहा है, तो इसलिए अपन अब डायमंड का यूज करेंगे उसको खत्म करने के लिए। तो मैंने तेरी दुकान को पूरा साफ कर दिया, अब मुझे आइटम दे दे यार। भाई ये एक सेकंड, इसने वो एग भी दे दिया मुझे, और ये है म्यूटेंट ज़ॉम्बी का एग। भाई क्या बात है, अब तो तबाही होने वाली है पूरी। मैं काम करता हूँ, ये नेदरराइट स्पाइक लेकर चलता हूँ और म्यूटेंट ज़ॉम्बी को तब स्पॉन करूंगा मैं जब विलेजर मेरे पास आ चुके रहेंगे। A few moments later. तो यार पूरे स्पाइक्स लगा दिया मैंने घर के आजू बाजू में। और एक मिनट, ये लोग तो आ गए इतने जल्दी, और ये लोग तो सीधा मेरे तरफ आ रहे हैं। भाई क्या खतरनाक सोल्जर है, पूरे डायमंड आर्मर पहन के आ चुके हैं। और एक मिनट, इन लोगों को डैमेज क्यों नहीं पहुंच रहा है। मुझे लगता है मेरे ज़ॉम्बी बॉडीगार्ड को स्पॉन करने का यही सही समय है। तो एक काम करते हैं, थोड़े कोने में स्पॉन करके आता हूं इसको मैं। और ये लोग मुझे देखते हुए इधर आ चुके हैं। ये ले बेटा, ये है मेरा हथियार, और ये देखो कितना बड़ा हो चुका है। बाप रे, अभी उनको मार मुझे नहीं। और एक मिनट, खतरनाक फाइटिंग स्टार्ट हो चुकी है। बाप रे, उड़ उड़ के मार रहा है ज़ॉम्बी तो। और ये है ना मौत का खेल, लेकिन मेरा ज़ॉम्बी मर तो नहीं जाएगा ना, मुझे लगता है 5-6 तो मार चुका है वो। और एक मिनट, ये तो ढेर हो गया। अरे यार ये क्या है, मुझे लगता है फिर से उठने वाला है, बहुत ज्यादा बड़ा ज़ॉम्बी है ये तो। मार पकड़ पकड़ के मार उनको। और देखो आखिरी के 2-3 बचे हुए हैं, लगता है इनको मार ही देगा वो। ओ भाई क्या डैमेज दे रहा है, खतरनाक आदमी है। और उड़ा दिया इसको तो। और ये देखो ये उड़ के मर गया, और एक लाश बचा हुआ है। अरे उधर जाए, उधर मार उसको। और पास है आखिरी विलेजर, और वो भी मर गया। क्या बात है मेरे आंखों के सामने। तो यार ज़ॉम्बी ने तो अपना काम कर दिया, और ये जो स्पाइक्स है इन लोगों ने रोक दिया उसको, और मुझे देखो कितना डैमेज हो रहा है। लेकिन वो विलेजर्स, उनको डैमेज ही नहीं हो रहा है। बाप रे, डायमंड आर्मर इतना खतरनाक है उनके लिए। फिर भी यार अपने डिफेंस के लिए कुछ ना कुछ तो खरीद लेता हूं मैं। और भाई कोई नया आइटम दे यार, तेरे आइटम के कारण तो पूरे विलेजर मर गए हैं। और एक काम करता हूं, मुझे ये दोनों आइटम चाहिए, क्या स्टोन टरेट और लैंडमाइन, इसके बाद पता नहीं क्या क्या है। ये तुम्हें पैसों से नहीं मिलेगा, एक बहुत खतरनाक रोबोट आने वाला है, तुम्हें उसे मारना पड़ेगा। अरे तो कैसे मारू, मेरे पास पिकेक्स से मारू पागल आदमी। ये लो ना। अरे बाप रे, अरे ये तो भाई, ये क्या, ये आतंकवादी को सप्लाई करता है तू, और कौन है ऐसा। अरे ये कौन है, अरे अभी मारता है इसको यार। और एक मिनट, ये पागल हो चुका, मारो इसको। ओ भाई तो निपटा देगा मुझे। ओ क्या डैमेज है इसका। बाप रे, मुझे आर्मर चाहिए यार, इसने फंसा दिया मुझे यार, ये कौन सा रोबोट है। एक मिनट रुक जाओ, इधर छुपता हूँ। ओके ये बहुत ज्यादा बड़ा, और यहाँ पर ही पहुंच गया। लगता है विलेजर के घर के अंदर जाना पड़ेगा मुझे, और सारे विलेजर तो मार चुका हूँ। घर खुल भाई जल्दी तेरा, दूर से मारने वाली गन है, रुक जाओ इसको निपटा देता हूँ। ये गन शायद ऑटोमेटिक हो चुकी है। अब तो बेटा तू गया काम से, ये ले मर। अब बेटा तू गया काम से, मरने वाला है ये, और मर जा यार प्लीज। ओके मर गया ये, क्या बात है, ये जानवर मर चुका है आखिरकार। और शॉपकीपर ने कैसे लोगों से पंगा लेकर रखा है। साथियों एक दुखद खबर है, हमारे सारे के सारे प्लान्स फ्लॉप हो चुके हैं। तो अब क्या होगा, अब लगता है हमको वो कदम उठाना ही पड़ेगा, हमको जाना पड़ेगा नेदर में, वहाँ से नेदरराइट लाने के लिए। चलो नेदर में सिपाहियों, बधाइयों, अपने को मिल चुका है एंशिएंट डेब्रिस, खोदना चालू करो। अब तो डैश की 12 बजे की, भाई क्या बात है, सब खोद डालो यहाँ से। तो यार वो जानवर को मार दिया मैंने, अब मुझे इनाम चाहिए, वो भी एक नहीं दो दो। ये लो दो इनाम। अरे दो इनाम मिल रहे, सच में मुझे इनाम मिल रहा है। ओके भाई एक सेकंड, टायर 3 स्टोन टरेट और लैंडमाइन। ओके अब बात है, और ये दुकान से हटा रहा है अपने, लगता है पूरा स्टॉक खत्म हो चुका है। मैं चलता हूँ जल्दी लगा के आता हूँ यार। अभी मुझे मालूम चला है विलेजर नेदर में गए हैं, क्या करने गए वो लोग नेदर में। तो एक काम करते हैं, यहाँ पर लैंडमाइन लगाता हूँ मैं, और लैंडमाइन बहुत खतरनाक होता है। ये देखो पैर रखूंगा मैं और भागना पड़ेगा, और ये देखो यहाँ पर ब्लास्ट होने वाला है। और एक मिनट, लगता है AI से चलता है लैंडमाइन।
अगर कोई बंदा दूर जाएगा तो अपने आप डिफ्यूज हो जाएगा। कोई बात नहीं, विलेजर को इतना दिमाग नहीं है, तो इनके बीच में लगाने वाला लैंड माइन को ओके ये लग चुके हैं पूरे। थोड़े बहुत इधर भी लगा देता हूँ और यहाँ पर तो ठीक है, उस तरफ तो कोई आएगा नहीं। अब मेरे पास है स्टोन टैरेट, सबसे खतरनाक। एक काम करते, एक को मैं यहाँ पर लगाता हूँ और ये देखो ये आ चुका स्टोन टैरेट। अब इसके शक्ल में मत जाना भाई, बहुत डेंजर है ये। तो पहले इसको बिठा देता हूँ मैं, क्योंकि ये चलना चालू हो जाता है, जो भी आगे से आएगा उसको मारेगा ये। और एक को हम यहाँ पर लगाते हैं और जो एक बचा हुआ है उसको अपने पास रखता हूँ। पहले विलेजर्स को आने दो यार, कुछ भी कर सकते हैं वो लोग। और ये देखो डिफेंस आ चुका है। और एक मिनट, वो देखो वो लोग आ रहे हैं विलेजर्स। अरे बाप रे, ये लोग तो नेदरराइट बन के आ गए पूरे। और ये ऐसे क्यों हो गए, लगता है भाई अटैक करने आए पूरे ये लोग। और हमारे ये देखो स्टोन टैरेट कितने काम कर रहे हैं। और लैंडमाइन फूट जाए यार, लैंडमाइन। एक मिनट, ओके एक ने पैर रख दिया। और ये देखो ब्लास्ट हुआ है अभी अभी, और इनको डैमेज पड़ना चालू हो चुका है, ये लोग आगे नहीं आ पा रहे। अब मेरे पास है ना हथियार, ये ले बेटा, तुम सब मरोगे अभी। इसको मारता हूं पहले मैं। ओके क्या तबाही हो चुकी है, बाप रे सब मर गए। अब नीचे भी एक और बचा हुआ, इसको मारते पहले। और मेरा डिफेंस बिल्कुल भी काम नहीं आया, ये भी मरने वाले हैं। तो एक काम करता हूँ मैं, वो शॉपकीपर के पास चलता हूँ और उससे जो बची हुई चीजें लेकर आता हूँ यार। तो ये देखो तीन तीन चीजें बची हुई है, वो है स्पेशल लावा, स्नाइपर टरेट। अरे बाप रे ये क्या है, और ये क्या मिस्ट्री आइटम। अरे यार जल्दी मुझे लावा दे दे यार, बहुत सारे विलेजर आ चुके हैं। भाई मैं तुम्हें कुछ नहीं दूंगा, मैं ऐसे कंगाल हो चुका हूँ पूरा। मैं पागल है तू, अभी दे यार जरूरत है मुझे। मैं बोला ना मैं नहीं दूंगा। बेटा तू पछताएगा अभी यार, ये शॉपकीपर क्यों धोखा कर रहा है यार। उसको पैसे भी ऑफर किया लेकिन नहीं दिया उसने। लेकिन मेरे पास एक ऑप्शन है, मेरे पास एक रेनबो टीएनटी है, उसको देख के सबकी आंखें चमक जाती है। तो मेरे हाथ में आ चुका है रेनबो डायनामाइट। अब वो बंदा वहां देख रहा है, चलो अरे यही बार ही देख रहा है, कोई बात नहीं। अब मैं इसको फेंकता हूँ और देखो इसके नजारे क्या होने वाले हैं। इधर फेंक देता हूँ, ओके। अरे बाप ये क्या है, अरे ये क्या हो रहा है, वाओ वाओ। और एक मिनट, ये देखो यार रेनबो टीएनटी का कमाल। अरे चलो मुझे क्या प्रॉब्लम है, मैं ये चोर के भागता पहले। और ये मेरे हाथ आ चुका है और स्नाइपर टैरेट भी ले लेते हैं, ये बाद में यूज करेंगे। और क्या बात है, जल्दी भागना पड़ेगा। ये ला चुका हूँ मैं टॉक्सिक लावा, मैं बहुत जरूरत थी इसकी यार, ये पागल दे नहीं रहा था मुझे। तो इसको डाल दिया मैंने और ये देखो कितना गंदा लावा अच्छी। और यहाँ पर और डालते हैं, और मेरे पास चार बकेट है तो मैं चार गड्ढे किया था यहाँ पर। और ये लास्ट वाला इधर रख देते हैं, ओके मेरा काम हो चुका है पूरा। और बहकर इधर क्यों नहीं आ रहा, रुक जाओ बीच बीच डालना पड़ेगा इसको। और अब देखो पूरा बहकर आ चुका है और बहुत गंदा डैमेज पहुंचता है इससे यार। लेकिन सबसे खतरनाक ये है मेरे हाथ में, लेवल 15 का स्नाइपर टैरेट। और एक मिनट ये क्या है, अरे तुमने मेरा सामान चुराया। अरे सामान चुराया, अरे पागल माइंड रिपेयर की रख दिया। ये देखो ये पागल को मैं भी तुझे मारूंगा, रुक। अरे ये तो मर गया भाई, इसका मिस्ट्री आइटम मतलब मेरा होने वाला है। लेकिन ये विलेजर्स आते होंगे तो एक मैं टरेट यहाँ पर लगाऊंगा। और एक मिनट, और ये कौन सा पहलवान टरेट है, ये तो अब मौत का खेल होने वाला है। इसके आजू बाजू क्या घूम रहे हैं सब, और मेरे पास तो तीन तीन ऐसे भाई। विलेजर तो गए काम से, लेकिन मैं ऐसे हार नहीं मानने वाला। एक काम करता हूं, एक को यहाँ पर लगाता हूं मैं और एक को लगाएंगे हम लोग उस तरफ। तो मैंने तीनों के तीनों टरेट यहाँ पर लगा दिया हूं और मेरा बेस हो चुका है पूरा सिक्योर। और वो देखो ऊपर छोटा सा, और मैं चलता हूँ मिस्ट्री आइटम लेने के लिए यार। और ये देखो भाई क्या रंगीन हो चुका है पूरा यहाँ पर। और ये है वो मिस्ट्री आइटम, देखते क्या होने वाला है। और ये है वो मिस्ट्री आइटम, उठा लेता हूँ पहले मैं और राइट क्लिक करना पड़ेगा। और एक मिनट, ग्रेनेड लॉन्चर। और ये क्या इतने सारे बुलेट, क्या बात है यार, तबाही होने वाली है, भागते जल्दी। और एक मिनट वहाँ पे फाइटिंग चालू है, और ये मेरे पीछे क्यों आ रहा है। अरे विलेजर पागल है क्या, ये लगता है ग्रेनेड लॉन्चर से मर के रहेगा। रुक जाओ थोड़ा दूर जाता हूँ, बहुत खतरनाक है। और ये ले मर, ओ भाई क्या ये। और वहां पर देखो फाइट चली रही है और मेरा टरेट बेचारा कहां तक आ चुका है। ओ ये क्या इतने सारे आ गए, मैं तो इनको बुलाना पड़ेगा। और ये ले फूट भाई, और कितने, रुक जाओ वहां पे मारना पड़ेगा मुझे, कोई बात नहीं मार देते हैं। और ये सब मेरे पीछे आ चुके, क्या बात है। और मेरे वो टरेट कितने खतरनाक है, ये ले। और कौन है, ओके ये तो ये है भाई, मुझे क्यों मार रहा है तू, ये फिर से कहां से आ रहा है। रुक जाओ इनको फिर से फोड़ना पड़ेगा मुझे। और ये ले फूट, ओके वहां पे लावा और बहेगा, क्या बात है, तो मैं पहले सोचना चाहिए था मुझे। और वहां पर और आया जा रहे यार, ये लोग कितने सारे हैं, सारे विलेजर आज मेरे हाथों से मरने वाले अब। और इस तरफ से भी आ रहे हैं कुछ तो, और जो इनको मारता हूँ मैं। और एक मिनट, लोग अंदर तो नहीं घुस गए, क्योंकि अंदर अभी तक घुसे नहीं है, तो मुझे यहाँ पर जाना पड़ेगा अंदर। और ये बच्चे कहाँ से आ गए, बाप रे। रुक जाओ इनको मारता हूँ अब, ये लो। और ये आखिरी पागल बचा हुआ है, ले बेटा तू भी मर। अरे खुद ही मर गया, अब कोई बचा है, क्या बात है, बच गया मैं आखिरकार। और मेरा डॉग ही सेफ है ना, और क्या बात है, मेरा डॉग भी सेफ है। अब लगता है विलेजर मर चुके, क्योंकि नेदरराइट की बात तो कुछ होता नहीं है। आज मेरे और कैरी के बीच में होने वाला है सिक्योरिटी प्रिजन का बिल्ड बैटल चैलेंज, जो भी सबसे खतरनाक और डिफिकल्ट प्रिजन बनाएगा और वो कहलाएगा विनर। और टोटल होने वाले हैं चार राउंड, तो क्या मैं चारों जीत पाऊंगा। कैरी तू बटन दबा रहा है, मैं दबाऊं, एक काम कर तू ही दबा ले, मैं दबा लूं बटन। तो ये हमारा फर्स्ट राउंड है और मैं बटन दबाने जा रहा हूं, और मुझे एक पेपर मिला है $1,000,000। अब कैरी तू दबा, ठीक है फिर मैं भी दबाता हूं और देखता हूं मुझे क्या मिलने वाला है। $1। अरे रे भाई तेरे साथ बहुत बुरा हुआ, $1 मिल चुका तुझे, अब इसको तू भर ले। और हमारे टोटल चार राउंड होने वाले हैं, और चार राउंड में से पहले राउंड में मुझे $1,000,000 वाला मिल चुका बेस, मतलब कि मैं ये वाला बटन दबा सकता हूँ और कैरी यूज करेगा ये वाला। $1,000,000 में देखते कौन सा आइटम मिलने वाले मुझे, और क्लिक करता हूँ इसको मैं। और अरे बाप रे ये क्या है, और कैरी गरीब तुझे कौन सा आइटम मिले, मुंह क्यों खराब हुआ है तेरा। पता नहीं यार क्या क्या मिल गया, ये सब क्या है, स्केटर का अंडा, येलो लावा बकेट, छी। तू निकल यहाँ से, मुझे 5 मिनट बाद मिलना जब हमारा बेस बन जाएगा। और ये देखो यहाँ पर रूल लिखे हुए हैं, और भला रूल को कोई पढ़ता है, ये सब मुझे पता है, तुमको बाद में समझा दूंगा, लेकिन अभी चलते हैं सिक्योरिटी बेस बनाने के लिए। कैरी ने अपना काम शुरू कर दिया होगा पक्का, और मैं भी कर देता हूँ काम अपना शुरू।
सिंपल सा एक रूल है, हम लोग वनीला की कोई भी ब्लॉक यूज कर सकते हैं, लेकिन और एक कस्टम ब्लॉक हम तभी यूज कर सकते हैं जो हमें मिले हो। मतलब की कैरी केस बेकार ब्लॉक है और मैं अच्छा सिक्योरिटी हाउस बना सकता हूँ। तो एक काम करते हैं, अपना काम शुरू कर देता हूँ मैं, और ये पहला लेवल है, तो एक काम करते हैं वुड का यूज करते हैं, और मुझे बनाना है थोड़ा सा ऊंचा और बड़ा सा एक स्ट्रक्चर। तो मैंने ये वाला प्रेशर प्लेट लगा लिया हूँ। अब ये देखो, जैसे मैं इसको टच करूंगा शूट हो जाऊंगा आगे की तरफ। खतरनाक चीज है। तो शुरुआत हमारी होने वाली यहाँ से, कहीं से जैसी कैरी आएगा उसे कोई भी रास्ता नहीं दिखेगा, यही पर फंस जाएगा बेचारा। तो ये लग गए मेरे बचे हुए कैंप फायर, और ऐसे लगा देता हूँ पूरा मैं। हमारे यहाँ पर एरिया था, थोड़ा बहुत कूदने के लिए मौका दूंगा मैं, कैरी को टेंशन नहीं है। और इसके बाद मैं लगाने वाला हूँ बैम्बू स्पाइक्स, और इससे पार्कोर करना है। तो कैरी तो गया काम से। काम करते थोड़ा मेज जैसा भी कुछ बनाते हैं, और पार्कोर जैसा भी बनाते हैं कुछ खतरनाक सा। A few moments later. तो ये पहला बिल्ड है हमारा, तो सारी चीजें मैं अभी यूज नहीं करने वाला हूँ, टाइम भी नहीं है बिल्कुल हमारे पास। तो मैंने यहाँ पर लगा दिया स्पाइक्स, और यहाँ पर भी थोड़े बहुत स्पाइक्स है, और यहाँ पर भी स्पाइक्स है। तो कैरी को पार्कोर करके आना पड़ेगा, और दो रास्ते उसके पास, इधर से आएगा या इधर से। गाइस मुझे $1 के अंदर काफी खराब आइटम मिल रहे हैं, लेकिन डैश को काफी अच्छा आइटम मिले। तो जल्दी से मैं यहाँ पर 4x4 का एक कमरा बनाता हूँ। यार गाइस देखो, मैंने ट्रैप्स हमने लगा दिए, और मेरे को यहाँ पर ट्रैप लगाना है। जल्दी से यहाँ पर ट्रैप लगा देता हूँ। वहाँ पर स्टोन की स्पाइक ही है, ये तो डैश तो पार कर ही नहीं पाएगा। एक यहाँ लगा देता हूँ, दो यहाँ लगा देता हूँ। क्या बात है, काफी टफ लेवल मैंने अपने बना दिए। कैरी टाइम अप हो चुका है, आ जा जल्दी। और इन्वेंटरी क्लियर हो गई हमारी। और कैरी तूने ऐसा क्या बनाया है, कुछ तो दिख रहा है डर्ट का। छी यार, यार वो बाहर से तो डर्ट का दिख रहा है, लेकिन अंदर भाई खतरनाक मैंने माल मसाला भर रखा उसके अंदर। तो चलते कैरी तेरे बेस में आ जा। बट गो एट ऑन योर ओन निक्स मैन। अरे RIP इंग्लिश हो चुकी है, चलो कोई नहीं। और ये क्या है यहाँ पे, क्राफ्टिंग। और एक मिनट, गड्ढा ऊपर जाने का, लेकिन कैसे जाओ उड़ के यहाँ पर? अगर अंदर आना है तो रहना पड़ेगा सर्वाइवल में। भाई सर्वाइवल में वो मार के देख ले। अरे एक मिनट, ये क्या है, स्लाइम? स्लाइम बना के रखा इधर। अब मैं समझा कैसे ऊपर जाना है मुझे। अरे दिमाग लगाओ, दिमाग जो तुम्हें नहीं मुझे पता है। अरे भाई फालतू बातें कर दिया इसने। एक मिनट, ये अलग अलग ब्लॉक क्यों है? ये है वुड का, और ये एक मिनट कुछ तो दिख रहा है मुझे क्राफ्टिंग टेबल के नीचे। और इस तरफ भी, अरे समझ गया मैं कैरी, यहाँ पर स्टिकी पिस्टन और यहाँ पर बटन। अब मैं समझा, यहाँ पर मुझे लगाना है इसके ठीक नीचे में, ये रहा हमारा स्टिकी पिस्टन। यहाँ पे स्लाइम ब्लॉक को लगाना है, और यहाँ पर बटन हमें ऐसे लगाना है, और सीधा बूम ऊपर। क्या बात है, पहुंच गया मैं। अरे और भी है यहाँ पर है अपनी अग्नि परीक्षा, स्पाइक को पार करके तुमको वहाँ जाना है, और मैं बता दूं स्पाइक काफी खतरनाक है। चलो कोई नहीं। और वहाँ पे कीचड़ क्यों बह रहे हैं? कीचड़ है, पता नहीं क्या गंदगी, गोबर है। चलो कोई बात नहीं, आराम से चलता हूँ मैं। और ऐसा कौन सा स्पाइक से देख लेते। ओ भाई खतरनाक डैमेज है, भागो। एक मिनट कूद के जाता हूँ मैं। अरे बहुत ईजी है मेरे लिए यार, थोड़ा इस तरफ जाना पड़ेगा मुझे। और एक मिनट, अभी तक तो इजी पहुंच रहा है। और एक काम करते, भागते चलते हैं। और पहुंच गया, पहुंच गया मैं। क्या बात है, व्हाट द हेल यार, इतनी आसानी से कैसे कर लिया? मैंने काफी दिमाग लगा के बनाया था इसको। तो वो काफी दिमाग तेरे लिए होगा, मेरे लिए बहुत सिंपल है। अब तू आ जा मेरे बेस में, और सर्वाइवल में आना बिल्कुल। ठीक है, मैं सर्वाइवल में तेरे बेस के अंदर आके देखता हूँ, देखता हूँ तूने क्या बनाया असल में। ओके, तो ये बेस काफी मुझे सही लग रहा है यार, वुडन का बनाई, क्या है ये? और एक सेकंड, व्हाट इज दिस, ये क्या है? भाग चलने का साइन है क्या? वापस भाग चले जाऊं? कारपेट है बेटा, कारपेट। लेकिन इस पे ऐसा साइन क्यों बना हुआ है? ठीक है गाइस, जाके देखते हैं अपन। अरे ये तो मुझे रिपेल कर रहा है। अरे कह रही दिमाग लगा यार, बैल बुद्धि है क्या तू? ओ अब समझा मैं, अपने को ये गड्ढे के अंदर आना है। ठीक है, ये तो आसानी से हो गया। अरे शिट, बच गया मैं, लेकिन अब इसको मैं कैसे पार करूं? वो तो तुझे सोचना पड़ेगा यार, वो देख ले तू कैसे करना है। मैं तो इस तरफ रुका हूं तेरे लिए। और वो देखो कैरी, वो रहा भटक रहा है उधर, पता नहीं क्या कर रहा है वो। अरे भाई बारिश का आने का वेट करूं क्या मैं? अरे फिर से वापस आ गया मैं, क्या यार, मेरा तो बहुत ज्यादा दिमाग खराब हो चुका है, क्या करूं? चलो फटाफट भागते चलते। अरे बच गया यार, तूने ये तो पार कर लिया, लेकिन अब ये वाला पार नहीं होने वाला है तुझसे, क्योंकि ये है बैम्बू स्पाइक्स। यार पिछवाड़े में छोड़, कई बार भी घुस सकते हैं। तो मेरे तो स्टोन की स्पाइक्स थे, इनको तो पार करना मेरे लिए बाहर खेली। देखो 1 2 3, ओ माय गॉड, ओ शिट, ओ भाई पार हो गया। अरे कैरी ये तो सिंपल लेवल थे, अब होंगे ना खतरनाक लेवल शुरू। और एक मिनट, शुरू भी कर दिया तूने, दो रास्ते तेरे पास। एक सेकंड, ये तो मौत का खेल है, नीचे भी खाई आगे भी खाई, कहाँ जाऊँ मेरे भाई? भाई बाजू में भी तो रास्ता है। अच्छा मेरे को उधर जाना है, लेकिन इतनी लॉन्ग जंप माइनक्राफ्ट में इलीगल है। डैश इलीगल तेरे लिए होगा, यहाँ पर कुछ भी पॉसिबल है। और कर तो लिया, ये तो मेरे बाहर का खेल है। ठीक है, अब मैं कहाँ जाऊँ, उधर जाऊँ की इधर? एक कांगो तो गाइस सीधा चलता हूँ। 1 2 3, नहीं शिट, बचाओ बचाओ। और इसी के साथ कैरी ये वाला लेवल बिल्कुल गंदे तरीके से हार चुका है। मर तू उधर ही मर। अरे शिट यार, नहीं यार, ओ शिट, मुझे और धक्का दे दिया अंदर। कैरी तो ये वाला लेवल हार चुका है, अब बारी है लेवल 2 की। पहले तो मैं जीत गया। डैश लास्ट वाले में तूने बटन पहले दबाया था, लेकिन भाई अब मेरी बारी, मैं दबाऊंगा। 1 2 3, देखते क्या आता है। ओ माय गॉड, अब मुझे मिला है $1 million, ये देख। अरे यार ये गलत बात है यार, तूने खुद ही डिसाइड कर लिया। मैं भी दबाता हूं, क्या होता मुझे भी $1 million मिले। नहीं यार, अब मुझे गरीब होना पड़ेगा, $1 मिला है, भाग ऐसे। तो देखते हैं $1 के कौन सा आइटम है, बटन दबाता हूं। और एक मिनट, मिल चुके हैं मुझे स्टोन स्पाइक्स, येलो लावा बकेट, और ये क्या यार, ये सब बाद में देखूंगा मैं। और कैरी को मिलने वाले $1 million के आइटम। डैश बस बस आराम कर, पहले मेरे को अपने आइटम देखने थे क्या मिलता है मुझे। ओ भाई साहब, अब तो भाई तो वाट लगी तेरी। कैरी ने काम शुरू कर दिया है फिर से, तो मैं भी शुरू कर देता हूँ। और उसको अच्छा वाला मिला, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता है कि जिसको $1 मिला वो हर बार हारेगा। काम करता हूँ स्टोन ब्रिक्स का एक बेस बना लेता हूँ जल्दी से मैं। Few minutes later. तो कैरी पहले अंदर जाएगा, और यहाँ पर मैं लगाने वाला बहुत सारे स्केलेटन। तो एक काम करते हैं, इनको स्पॉन करते हैं, और बेटा स्पॉन हो जाओ। और इनको मैं नाम दिया कैरी का ही, कैरी कैरी को मारेंगे। क्या बात है,
तो एक काम करते हैं, और भी स्केलेटन मुझे स्पॉन करना, सबको स्पॉन कर दे। तो पहले मैं ये पांचों स्केलेटन उधर आ चुके हैं, अब क्या थोड़ा आगे बढ़ेगा। और ये देखो इधर मैंने लगा दिया बहुत सारा डिस्पेंसर, और डिस्पेंसर से क्या निकलेगा, ये एरोस निकलेंगे। और एरो से देखो क्या होता है, एक बार एक काम करता हूँ मैं सर्वाइवल में आके देखता हूँ। और ये देखो इधर डैमेज यार खतरनाक वाला, और कैरी सोचेगा इस तरह से निकलता हूँ ये तो पूरा ऊपर तक जाने वाला है। अभी एक काम करते हैं इसको पूरा ऊपर लेकर चलते हैं, और कैरी तो अभी काम से जाने वाला है, इसके बीच में थोड़ा पार्कोर वगैरह बना दूंगा जाने का रास्ता। क्या तुम्हें लग रहा है $1 का बेस है ये? तो इस बार तो डैश की खेलनी, इतने खतरनाक लेवल्स बनाऊंगा ना कि उसके लेवल निकल जाएंगे। तो यहाँ जल्दी से मैं बेडरॉक की पहले दीवार खींचता हूँ, क्योंकि जो मेरे लेवल्स होने वाली ना वो बेडरॉक के अंदर ही होंगी। तो मैं यहाँ पर एक कंटेनर जैसा बना देता हूँ, ये देखो मेरा पहला लेवल ये होने वाला है। यहाँ बेसिकली मैं डोर लगाने वाला हूँ और इसके अंदर मैं कोड लिखूंगा। ओके कोड लिख दिया मैंने, और वो कोड है 2। तो बेसिकली यहाँ पर मैं और भी डोर लगाऊंगा ऐसे करके, और ये डोर में से डैश को सही वाला डोर पता लगाना है। तो मेरा लावा पार्कोर पूरा बन चुका है, और यहाँ पर जैसे कैरी आएगा पर ये देखो क्या एरो बरस रहे, बाप रे भाई पूरा खेल होने वाला कैरी के साथ। लेकिन उसके बाद अब तुम सोच रहे हो ये गंदे से ब्लॉक कौन से है, ये स्पॉन्ज ब्लॉक। अब इसको डालने का एक ही मकसद था मेरा, ये गंदे गंदे कीड़ों को मैंने यहाँ पर स्पॉन कर दिया हूँ। और ये एक्चुअली मैं मेज पूरा ये पूरी जगह को खराब कर दे, उससे पहले काम करता हूँ मैं कैरी को बुला लेता हूँ। कैरी टाइम अप हो चुका, आ जा। तो डैश तैयार है तो अपना बेस दिखाने के लिए? मैं तो तैयार हूँ, लेकिन तू सर्वाइवल में है ना। और एक मिनट, ये क्या बना के रखा कैरी तूने यार, मैं तो डरी हूँ यार। चलो चलो बेटा, अब तुझे मालूम चला क्या होने वाला तेरे साथ, सर्वाइवल में आ गया कैरी तू। लेकिन ये क्या है ये इतनी गरीबी भाई, यहाँ पर एक गेट तो लगा देता भाई। अरे यार गरीब की बेस में आया तू, और अब तुझे मालूम चला गरीबी किसको कहते हैं। ये देख बहुत सिंपल लेवल है यार, ये देखो ये पार हो गई। पार हो गई तेरे बाजू में देख कैरी, हट यहाँ से। ये कौन है? ये तो कैरी नाम की स्केलेटन। अरे बाप रे, तो क्या ये बच्चे बच्चे मार भी नहीं पा रहे। नाइस शीट। अरे यार, ओ माय गॉड, जल्दी से पार करता हूँ गाइस यहाँ से मैं। ओ यार शीट, ये क्या हो रहा है? लगता लावा तेरे के पार करना पड़ेगा। ये कैसे पार कर रहा है? अब ये क्या है यार, नई चीज। सिंपल है, पार करो, तुझे पार करना है बस। ओके तो इसको पार करते हैं। ओके ये देख, हो गए। ओ माय गॉड यार, नहीं जल्दी से पार करना पड़ेगा मुझे यहाँ पर। ये क्या है, ये हर जगह ट्रैप ही ट्रैप है। ओ ये भी पार कर दिया, ओ माय गॉड। लेकिन अगला लेवल कैरी तू नहीं पार कर पाएगा, क्योंकि तेरे दुश्मन खड़े उधर देख। ओ माय गॉड, सिल्वर फिश। नहीं, गेट बंद कर दिया। तू सिल्वर फिश से डर चुका है? अगर तू पार नहीं करेगा ना तो मैं जीत जाऊंगा लेवल। बहुत पे कितने सिल्वर फिश है, सब बाहर आ गए गाइस, फटाफट से अपन अंदर भागते हैं। आ जाओ जाओ, लावा में गिर जाओ, सब लावा में गिर जाओ। अरे यार हो गया भाई, पार हो गया, हो गया। चलो वही बंद कर दो फटाफट से, अंदर भागते। लेकिन अंदर भी भाप रे, इतनी सारी सिल्वर फिश है। और एक सेकंड, ये का मेज है किस पंच का? लेकिन इसका जाने का रास्ता और आने का रास्ता तो है ही नहीं। ओके मुझे कुछ तो रास्ते मिला है। और यार ये शिट यार, ये मेरे पीछे भी पड़े हुई है। ओके मैं आ चुका हूँ इधर से, लेकिन सिल्वर फिश ने मेरा नाक में दम रखा है। वो देखो गाइस, वो रहा एंट्रेंस, जल्दी से भागता हूँ। ये तो क्या था, ये तो एकदम सीधी सीधी था। ओके पार हुआ, और फटाफट से गेम कर देता हूँ, बाहर निकल आता हूँ। फाइनली पार हो गया। अब मैं जाऊंगा तेरे बेस में, और $1 million का बेस ऐसे ही पार करूंगा, आजा। पता नहीं कांगा तेरे गुस्सा दी भाई मेरे तो। और ये क्या कह रही, बेडरॉक के प्रिजन में तूने कैद कर दिया मुझे, वैसे भी हमें प्रिजन ही बनाना था। और ये क्या, 2 2 3 3? और अरे मार क्यों रहा है? ये सर्वाइवल में है, मैं चेक कर रहा था असल में। और यहाँ पर कुछ तो लिखा है, गैस द नंबर, गैस द नंबर, यू हैव टू गैस द नंबर टू फाइंड द राइट डोर। यहाँ पर 2 डालना है मुझे, और ये सही होगा कि नहीं पहले काम करते, थोड़ा जाकर देखते हैं। और एक मिनट, यहाँ पर लावा है। और एक मिनट, अरे शिट यार, नहीं यार मैंने खुद ने रास्ता को बता दिया, रियल रास्ता मुझे ऐसे बता दिया, क्या बात है। और एक मिनट, ये क्या है, अब यहाँ से आगे जाना तो बहुत ज्यादा इम्पॉसिबल है, दिमाग लगा डैश। अगर दिमाग लगाया जाए, ये लावा का कलर सेम दिख रहा है, फेक लावा होगा ये। कितना इजी है यार, कैरी क्या फर्टीचर जैसे बना के रखा तूने। कैरी को $1 million के आइटम मिले थे और इसने ये बनाया, शेमफुल यार। नहीं नहीं, इतनी आसानी से ये मत सोच कि तू जीत जाएगा। वो देख, ब्लेज मास्टर अटैक करने सीधा यहाँ पर, सच में हमला हो रहा है मेरे ऊपर। ये क्या है, और ये कैसे पार करूँ अब मैं, चिड़ी तो फेंक देगा मुझे। ओ अरे yes। तो कह रही तूने मुझे बेवकूफ समझा, ये आइटम पहले यूज कर चुका हूँ मैं, तो इसको ऐसे ही पार करते हैं हम लोग। ये देख, अब पार के दिखा। ये तो ये वुडन स्पाइक से तूने मुझे पिछले वाले लेवल के अंदर बहुत सताया था भाई। क्या डैमेज पहुंच रहा है, और पहुंच गया मैं। और स्लोनेस, अरे यार शिट, गया मैं काम से। ब्लेज मारो जल्दी से इसको, ये बहुत ज्यादा इजी लेवल है। कह रही तूने मुझे क्या समझ कर, रुक जाओ अभी ब्लेज जा चुके काम से, यहाँ पर कूदता हूँ और यहाँ पर अब मार के दिखाओ मुझे। ये देखो कोई डैमेज नहीं पहुंच रहा है। और एक मिनट, पूरा प्लान बना लिया मैंने, एक बार में कंप्लीट करूंगा इसको मैं। और ये देखो तो कितना जल्दी पार हो रहा है भाई, ब्लेज पागल हो चुके हैं। अरे ओ माय गॉड यार, ये गिर गया मैं। अरे यार मरने वाला हूँ मैं, शिट यार, यार वापस आ चुका हूँ मैं, हार तो गया लेकिन पार करना पड़ेगा मुझे। और ब्लेज कुछ नहीं कर सकते तुम लोग मेरा, ऐसे कूदना है मुझे। और ये देखो पहुंच गया यार, पार्कोर में इतना एक्सपर्ट हूँ फिर भी मर गया था यार मैं। चलो कोई बात नहीं, मैं यहाँ पर कूदता हूँ। और 10+32+18+9, इतना सिंपल, जीरो होता है भाई। कौन से स्कूल से पढ़ा है तू? तो इसका एकदम सिंपल आंसर है 69, ये मेरा फेवरेट नंबर है। ओके पहुंच गया। और एक मिनट, अब ये कौन सा मौका खेला है? मैंने यहाँ पर काफी सारा लेजर लगाई थी, कहीं ना कहीं तो भाई हार ही जाता, लेकिन तू पहले ही हार गया यार, तूने दिमाग खराब कर दिया कैरी। और यहाँ पर मैं आराम से पहुंचा हुआ हूँ, और इसको मुझे बस ये क्लिक करना है। और ये देखो ये लेजर बंद हो चुका है, और यहाँ पर टीवी की लगी है, ओके रिफ्लेक्शन है तो इसको तोड़ सकता हूँ मैं। और एकदम आराम से आगे बढ़ना है, और इस वाले को बंद करना है भाई, क्या डैमेज पहुंच रहा है मुझे। और बस लास्ट का थोड़ा बहुत बचा हुआ है, और बस फाइनल का थोड़ा सा बचा हुआ है। और ये ले कैरी पार कर लिया मैंने, क्या बात है। लेकिन क्या फायदा, बीच में तो तुम मर गया था। कोई बात नहीं, अब चलते लेवल 3 में। तो कैरी तू पहले ही पीछे हो जा, अभी मैं क्लिक करने
वालों इस बटन को और मुझे चाहिए $1,000,000। जो पहले क्लिक कर रहा है उसको मिल रहा है $1,000,000 यार, तो मैं क्लिक कर लेता हूँ और देखते क्या मिलता है। $1 उल्लू हो गया तेरे साथ, उल्लू हो गया। रुक मैं देखता हूँ मेरे को क्या मिला है। ओ भाई गॉड, मुझे मिला है $1,000,000। यार मैं मानता हूँ यार, सच में मिला $1,000,000 यार। अब मैं गरीब से आइटम फिर से यूज करना पड़ेगा मुझे। इस बार फिर से गरीब आइटम मिल चुके हैं मुझे। अब कह रही तू अपने अमीर वाले आइटम यूज कर ले, मैं तो जा रहा हूँ यार। यार इस बार तो धोखा हुआ मेरे साथ में, मुझे $1,000,000 मिलने वाला था और इसके बाद सिर्फ एक राउंड है और मुझे लगता है कि कैरी वाला राउंड जीत सकता है, तो मुझे कुछ ना कुछ घापला करना ही पड़ेगा। तो एक काम करते, कैरी को पहले बिल्ड करने देते हैं और अपना भी थोड़ा बहुत बिल्ड बना लेते हैं। अब बस मुझे एंटर करना है और मेरा बिल्ड लगभग बन चुका है। मैं तुम लोगों को दिखा दूं मैंने बनाया क्या। हनी से बनाया मैंने, पूरा हनी ब्लॉक से एकदम खतरनाक ब्लॉक होता है, एकदम चिपचिपा और स्टिकी। और कैरी तो यहाँ पर फंसने वाला है यार, कैरी के पूरे पैर हनी में फंस जाएंगे। और यहाँ पर थोड़े बहुत और लेवल है, यहाँ पर भी थोड़े से लेवल है, पूरा कंप्लीट करूंगा मैं। यस यस, हो गया हो गया। ये देखो ऐसे करके कैरी चिल्ला रहा है, इसका मतलब ये अरे मुझे का बेस बन चुका, नो नो क्यों कर रहा है ये। लेकिन अब तो ऐसी चीटिंग करूंगा ना डर जाएगा वो। तो मैं कैरी के $1,000,000 के बेस में एक गड्ढा बनाने वाला हूँ, उसके लिए मुझे पूरे आइटम लेने पड़ेंगे और अपना बेस को इधर ही छोड़ना पड़ेगा। तो बस मुझे वाला कमांड एंटर करना है और कैरी को मिल जाएगा ब्लाइंडनेस। यार गाइस देखो कितना तगड़ा मैंने बना दिया यहाँ पर बेस, मुझे फिर से $1,000,000 के मिले थे ना। अरे एक सेकेंड, ये क्या हो गया, डार्कनेस किसने दे दी मुझे, और बाप रे डार्कनेस एकदम से कैसे हो गया। तो कैरी को तो ब्लाइंडनेस मिल चुका है, अब बस मुझे नीचे जाना है यहाँ से। और मैं सोच रहा हूँ यहाँ पर एक गड्ढा करता हूँ, एक काम करते एक्जेक्टली ये वाला होल ठीक रहेगा, मैं खुद के जा पाऊंगा ना। ओके ये ठीक है, अब मुझे टच नहीं करना इसको बिल्कुल भी। और मुझे यहाँ पर ट्रैप डोर ऐसे लगाना है ताकि मैं रेंगकर आगे पहुंच पाऊँ। तो एक काम करते ऐसे नीचे चलते हैं और ये टनल को आखिरी में खोलने वाला हूँ मैं एकदम एंड पॉइंट पर। तो एग्जिट की तरफ मैं निकल चुका हूँ, अब मुझे यहाँ पर आना है और कैरी इधर ही है। एक काम करते यहाँ पर डॉट लगा देते अभी के लिए। यार मुझे इतना खतरनाक ब्लाइंडनेस किसने दे दिया, मेरी नींद पूरी नहीं हुई या फिर मैं सपना देख रहा हूँ। यार मेरा प्लान तो हो चुका है, अब कैरी इतना ब्लाइंड है कि एक मिनट तक ब्लाइंड रहेगा और तब तक टाइम खत्म हो जाएगा। यार सब कुछ मैंने सेटअप कर दिया हूँ और मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं था बाकी चीजें यूज करने का। तो मैंने यहाँ पर बना लिया एंट्री गेट और तुम लोग सोच रहे हो बहुत सारे बीज है यहाँ पर, तो एक्चुअली मैंने यहाँ पर बहुत सारे बटन लगा दिया मैंने और ये बटन थोड़ा छुपा हुआ है तो इसको थोड़ा छुपा के रखना पड़ेगा मुझे। जैसे ही कैरी ये वाले बटन में बो एंड एरो मारेगा यहाँ से ये वाले गेट खुल जाएंगे और जैसे ये गेट खुलेगा कैरी को भाग कर जाना पड़ेगा और एग्जिट के दरवाजे में घुसना पड़ेगा। अगर नहीं कर पाया ना तो उसकी मौत हो जाएगी। और चलो यार टाइम नहीं है, उसे बुला लिया, मुझे भागना पड़ेगा जल्दी। और कैरी टाइम अब जोर से चिल्लाया कर यार, मुझे आवाज ही नहीं आई। और तेरे बेस में चलेंगे अभी। और एक मिनट फिर से बेडरॉक, यार बेडरॉक से कोई प्यार है क्या तुझे, एक बार खुद ही लगा के देखो इसमें। अरे ये क्या है, ये चारकोल है, एक बार खुद के देखता हूँ। और अरे बाप रे, अरे नहीं यार क्या डैमेज है भाई, क्या था ये गंदगी। चलो कोई नहीं मैं पार कर लेता हूँ। और एक मिनट ये क्या है, ये आड़ा क्यों लगा हुआ है, मैं इधर से कैसे पार करूंगा। ओ ये क्या, एक मिनट मुझे कुछ तो आइडिया आ रहा है, ये तो वुडन का बेस होता है ना, तो मैं ऐसे पार कर सकता हूँ आराम से। और नहीं यार अब तो फंस जाऊंगा, शिट इतना आसान नहीं है। आसान मेरे लिए है बेटा, ये देख पार कर लिया मैंने। अरे यार शिट, लगता है तुम संदीप माहेश्वरी की वीडियो देख के आए हो। चलो यही सही समय है, कैरी ऊपर जा चुका बेवकूफ आदमी। अब मैं उसको फिर से इफेक्ट दूंगा और सीधा पहुंच जाऊंगा गड्ढे के अंदर। तो कैरी को कैसे डाइवर्ट करना पड़ेगा, कैरी वो देख सोने की चिड़िया। अरे नहीं दिख रही मुझे, अरे यार डैश को समझ नहीं आ रहा। अरे शिट नहीं, अरे ओ ये पागल फंस गया। अरे मुझे ऐसे निकालो भाई, यहाँ पर माइंड भी है। नहीं यार अब बारी इसको ब्लाइंडनेस देने की, ये ले कैरी ब्लाइंडनेस। यार फिर से ब्लाइंडनेस आ गया, ये किसका काम है, ये जरूर डैश का ही काम लग रहा है। और कैरी ऊपर है और मैं जल्दी जल्दी पार करता हूँ रेंकर, और जल्दी पार होगा तो अच्छा रहेगा। डैश किधर गया, डैश तुम मुझे सुन पा रहे क्या। अरे मैं तुझे क्यों सुनूंगा, मैं तो पार कर रहा हूँ आराम से। अब बस मुझे इसको खोदना है और ये जो ब्लॉक मुझे मिलेगा इसको यहाँ पर लगाना है मुझे, और इस वाले को भी लगाते हैं। और एक मिनट पार कर लिया मैंने। अरे कैरी निकल, तू क्रिएटिव में तो भूल गया था। अरे यार शिट यार क्या कर रहा हूँ मैं, ये तो इम्पॉसिबल है, इतने आसानी से तूने पार कैसे कर लिया। यार तेरे लिए होगा इम्पॉसिबल, मेरे लिए बिल्कुल नहीं। अब दरवाजे खोल, मुझे जाना है, पार हो चुका है। क्या बात है, बोलता है तूने ये क्या बना दिया, मधुमक्खी का छत्ता। अरे तू अंदर जाके देखेगा ना, बहुत मजा आएगा तुझे। यार जाकर तो देख तू। यार अंदर जाके देखता हूँ। और ये देख, तुझे इनमें से एक बटन दबाना है और लेवल पार हो जाएगा यार, मजे मजे। और तूने एक भी हनीबी को मारा और एक गलती होगी, खत्म तू। ओके तो मुझे बिना हनीबी को मार के बटन को प्रेस करना है, ठीक है यार। तुम्हारे बाहर खेले देखो, अभी करता हूँ, ये देखो। चलो बच गया तूने, हनीबी ने देखी तुझे। और अब देखते कैरी क्या करता है, मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा कि कौन सा बटन सही है। यार ये मधुमक्खी कितनी यहाँ पर मंडरा रही है, हटो यहाँ से। एक काम हो तो गाइस वो वाले बटन को प्रेस करके देखता हूँ। नाइस शिट, गलती हो गई, रुको गलती हुई तुझसे। अब देख मैं क्या करता हूँ, गलती ये देख वो खुल चुका है गेट पूरा। ये क्या हो रहा है यार डैश, तूने चीटिंग कर दी, मधुमक्खी को पीछे पड़वा दिया और साथ में ज़ॉम्बीज को भी। चीटिंग नहीं है भाई, वो बटन दबाना था तो दबा नहीं पाया। यार ये देखो कैरी क्या हालत हो चुकी है, बाप रे। अरे निकल कैसे गया तू, नहीं निकल गया। अरे शिट ये मुझे लीवर प्रेस नहीं करने दे रहे। तर मैं तुझे मौका देता हूँ, मैं लीवर प्रेस करता हूँ, तू निकल के दिखा। ये ले कैरी, गाइस मैं एक आइडिया लगा दो, पहले इनको मैं यहाँ पर ले आता हूँ, उसके बाद एकदम घोपचे में यहाँ से निकल जाऊंगा। क्या बात है, निकल गया, आ गया। अरे चीटिंग, ये ले बचा लिया तुझे मैंने, आ जा। तो गाइस फिर से मैं वही ट्रिक लगाता हूँ और अब मैं फाइनली पार कर लूंगा। हो भाई पार हो गया, बनो कर दो। एस्केप तो हो चुका है, लेकिन क्या गंदी हालत होती तेरी, और तेरे बेस को मैंने कितना इजीली पार कर लिया। ये लेवल तू हार चुका है और आखिरी लेवल डिसाइड करेगा, या तो टाई होगा या मैं जीतूंगा। और मैं तो बटन छू ही नहीं रहा हूँ यार, फालतू है वो बटन, तू दबा। यार मैं तो पहली बार दबाऊंगा, मुझे मालूम है कि मुझे वापस से $1,000,000 मिलेगा। ये देखो दबाया मैंने, ओहो क्या बात है, क्या मिला। अरे
ये तो $1 मिला मुझे। शिट, क्या मिला कह रही तुझे? यार मैं बता नहीं सकता, बहुत गंदी चीज मिलेगी मुझे। ओनली $1 का पर्चा खुला है मुझे, ये देखो भाई। अच्छा वो तेरे साथ में, ये ले भाई $1, तू पकड़ अपना। और मैं ले रहा हूँ $1 million का। बड़े समय बाद मौका मिल गया $1 million का मुझे क्रेट खोलने का। और मैं एक काम करता हूँ, बटन दबाता हूँ और ये देखो कितने सारे आइटम। और सारे आइटम को यूज करके मौत का नंगा नाच करने वाला हूँ मैं। बहुत समय से मैं गंदे गंदे ब्लॉक से बना रहा था बहुत कुछ, अब बनाऊंगा पूरे डायमंड ब्लॉक से मैं खतरनाक एकदम बिल्ड। और ये होगा सबसे खतरनाक बिल्ड, क्योंकि टोटल मुझे 5 मिनट मिले और मैं बहुत कुछ ला चुका हूँ। तो जल्दी से इसको कंप्लीट करते हैं। A few moments later. तो एक काम करता हूँ, बस थोड़ा सा काम बचा हुआ है मेरा। तो यहाँ पर मैं स्केलेटन को पेस्ट करता हूँ, यहाँ पर ब्लेस को, ऐसे रैंडमली मुझे हर जगह लगाना सब कुछ। और ये देखो बाकी सारा काम मेरा हो चुका है। और इस साइड एक पासवर्ड डोर है और उसके बाद थोड़ा सा काम मेरा बचा हुआ है। तो एक काम करते सारे मॉब को इधर लगा देता हूँ पहले मैं। यार मेरा तो अभी तक कुछ बना ही नहीं, लेकिन ये देखो डैश ने कितना सारा बना लिया। और गाइस मुझे पता लग चुका है कि वो डैश की ही करामत थी, उसने ही मुझे ब्लाइंड किया था। तो इसको तो यार मुझे बदला लेना पड़ेगा, क्योंकि भाई चीटिंग होगी मेरे साथ। तो एक काम करता हूँ, इसका जो डायमंड वाला जितना भी इसने बनाया ना, इसको मैं बदल देता हूँ सैंड में। इसको अब पता लगेगा कि कैरी से पंगा लेके क्या होता है, क्या होते सैंड करते। चलो चलो फटाफट से भाग जाता हूँ मैं। एक मिनट, ये क्या हुआ, ये सैंड का कैसे बदल गया? यहाँ पर ही पूरा सैंड बन गया, अब क्या करूँ? और मेरे मॉब्स पूरे मर रहे हैं यार, थोड़ी देर में ब्लेज भी मर जाएंगे यार। यार एक काम करते, मुझे कोई मतलब नहीं है, मैं अपना फिर से बिल्ड बनाना चालू करता हूँ। और फिर से पूरा हाथों से बनाना पड़ेगा यार मुझे। चलो भाई टाइम अप हो चुका है। टाइम अप हो गया है? अरे यार ये तो बहुत गलत किया कैरी ने, इसका बदला तो लूंगा उससे मैं। तो चल पहले तेरे बिल्ड में चलते ना, फिर मैं सर्वाइवल में भी आ चुका हूँ। और ये घटिया तेरा बिल्ड है। कैरी के पास टाइम नहीं था क्योंकि मुझे ट्रोल कर रहा था, इसलिए तो इतना घटिया बिल्ड बनाया उसने। ये बनाने को तो 10 सेकंड लगते सिर्फ। और इसको पार करना कितना आसान है यार, पागल समझा तूने मुझे? मेरा ना मजदूरी करने का मन नहीं हो रहा था, इसलिए मैंने ज्यादा मजदूरी नहीं करी। अच्छा अब समझा मैं क्या किया तूने रियल में। तू इनविजिबल तो नहीं हुआ था ना कैरी? हैं? ये क्या होता है यार, ये पक्का कैरी है, झूठ पकड़ा जा रहा है इसका। इतना खतरनाक रिएक्शन कौन देता है? कोई बात नहीं, मैंने तो पार कर लिया यार। ये क्या गंदा बिल्ड था। अच्छी अब तू आजा मेरे बेस में। पहले तो कुछ रंग और था ना? रंग और था बेटा, मुझे सब पता है यार। मैं तेरा बेटा बेटा नहीं हुई, देख मैं पार करके दिखाता हूँ कैसे करके। ये तो क्या है सब छी, और यहाँ पर मॉब से वो चले गए। तुझे कैसे पता? अब मेरा शक क्लियर हो चुका है, तो मैं तेरे लिए बहुत अच्छा गिफ्ट रखा हूँ कैरी। डैश जल्दी से इसका पासवर्ड बता, मेरे को यहाँ से निकलना है, बहुत दिमाग खराब हो रहा है मेरा। हो गया भाई मेरा कंपटीशन अब। पासवर्ड डाल यार 420। चलो भाई खुल गया, फटाफट से आता हूँ मैं अंदर। 420 पासवर्ड थोड़ी दिन था, 420 तेरी हरकत थी, ये ले। और जल्दी से इसको बैन भी कर देता हूँ यार। मैं तो बैन भी हो गया क्यों?